मैं कुछ सुना नहीं बाबा। अरे बोल रही हूँ यार। मोदी सर मेरे की जान ले लेंगे। पंचायती पढ़ लेना। क्या बोल रहे हैं बेटा? है ऑलरेडी। यस वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून बडीज। वेरी गुड आफ्टरनून। जल्दी से आ जाइए सभी लोग। क्या हाल चाल और बवाल आप लोगों का? आई होप सो एवरीवन इज गुड, डूइंग फैंटेस्टिक। जोरदार हो, जबरदस्त हो, शानदार हो, खतरनाक हो, मजे में हो। यस वेरी गुड आफ्टरनून। प्लीज सेटल डाउन, जल्दी से सेटल हो जाइए। वी गोना स्टार्टिंग विद दी कंपनी लॉ रिविजन बड़ी। राधे राधे। सर ये यूट्यूब पे अपलोड बाद में नहीं देख पाओगे बेटा, बाद में इसको प्राइवेट कर दिया जाएगा। चले वेरी गुड आफ्टरनून। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। सभी लोग आ जाइए। विशाखा जी हो जाएगा। चलिए यार सभी लोग आ जाइए, सभी 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 व्यक्ति आ जाइए। जय श्री राम। वेरी गुड आफ्टरनून। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। ईबीसीएल कब आएगा? उसका भी रिवीजन आएगा। अभी हमारी बैच चल रही है, पहले उसको खत्म हो जाने दो। ग्रुप वन कंप्लीट हो चुका है, ग्रुप टू चल रहा है अभी बैच, तो वो खत्म होने के बाद उसका अनाउंसमेंट आएगा ग्रुप टू का भी। चलिए ओके। हाँ यूनिक वाले देख पाएंगे, उनके एप्लीकेशन पे अपलोड हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। चलो मैं आपको कुछ प्लानोग्राम दे देता हूं पहले, सबसे पहले रिवीजन के पहले ना, सबसे एक छोटा सा प्लानोग्राम दे देता हूं। हाँ प्लानोग्राम इस तरीके से रहेगा। फर्स्ट थिंग इन कंपनी लॉ देर विल बी नो ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस। हाँ ओल्ड और न्यू, सर हम ओल्ड वाले हम न्यू वाले, सभी को सेम ही करना है। जब तक मैं करवा रहा हूं तब तक सेम है ऑलमोस्ट। अगर आप देखोगे पार्ट भी पूरा सेम है, पार्ट ए में 90% सेम है। जो जो टॉपिक अलग है, जो चैप्टर अलग है, उसका अनाउंसमेंट मैं सेपरेट से कर दूंगा। सो देर विल बी नो न्यू सिलेबस, देर विल बी नो ओल्ड सिलेबस, इट इज फॉर बोथ। ठीक है ना? बायोलॉजी शेयर कैपिटल। ठीक है सो सबसे पहले तो ये समझ लो, देर विल बी नो ओल्ड सिलेबस और नो न्यू सिलेबस। ये जो रिवीजन होने वाला है यारा, दिस इज फॉर बोथ द स्टूडेंट्स, है ना, सारे स्टूडेंट्स के लिए होगा बेटा, ये ओल्ड और न्यू के लिए नहीं है। अच्छा अभी मैं आपको एक छोटा सा प्लानोग्राफ इस तरीके से दे देता हूं, छोटा सा प्लानोग्राफ मैं इस तरीके से दे सकता हूं दोस्तों। पहली चीज मैं बता दूं आपको, आई एम गोना स्टार्टिंग विद दी शेयर एंड शेयर कैपिटल। चैप्टर कौन सा है आपका? शेयर एंड
शेयर कैपिटल, ये आपका ओल्ड वालों के लिए चैप्टर टू है और न्यू वालों के लिए चैप्टर फोर है। कंटेंट एकदम सेम है, चैप्टर नंबर टू फॉर ओल्ड सिलेबस एंड चैप्टर नंबर फोर फॉर न्यू सिलेबस, ठीक है, ओल्ड और न्यू, पहली चीज। दूसरी चीज मैं बता दूं आपको, सेकंड थिंग, ये रिवीजन लेक्चर्स को अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 days लगेंगे। ये टॉपिक कंप्लीट करने को कितने दिन लगेंगे, चैप्टर नंबर कितने लगेंगे दोस्तों, 4 to 5 days। रीजन बींग सो सिंपल, विल डू वन थिंग, हम लोग क्या करेंगे, पहले मॉड्यूल देखेंगे, प्लस मॉड्यूल के साथ हम लोग क्या करेंगे, हैंड रिटन नोट से उसको याद करते हुए चलेंगे। सी दिस इज द रिवीजन, एग्जॉस्टिव कवर करवाने वाले हैं आपको। एग्जॉस्टिव का मतलब होता है इन डेप्थ, कोई भी चीज को ऐसा सिर्फ टच करके नहीं छोड़ा जाएगा कि ये देख लो, ये देख लो, ये देख लो, हर चीज के ऊपर अपना जहां एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड है वहां एक्सप्लेनेशन होगा, जहां एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी वहां एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा, जहां एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं होगी वहां पे डायरेक्टली आगे बढ़ा जाएगा, ठीक है। सो चैप्टर नंबर फोर, अच्छा दूसरा सर, तीसरी चीज, ये चैप्टर नंबर फोर कितने मार्क्स का आता है, अप्रोक्सीमेटली 15 से 20 मार्क्स, अप्रोक्सीमेटली कितना, 15 से 20 मार्क्स। सो पार्ट ए में ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है, सबसे बड़ा चैप्टर भी है और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। इसके 5 पार्ट है आपको, चैप्टर नंबर जो शेयर एंड शेयर कैपिटल है उसके कितने पार्ट है, 5 पार्ट है, ठीक है ना, 5 पार्ट इसके हैं आपको, तो इट विल टेक टाइम, बड़ा सिलेबस है, बड़ा चैप्टर है तो टाइम लगेगा। हमारा फोकस मॉड्यूल 2 का अनाउंसमेंट आएगा बेटा, अभी मॉड्यूल 2 का हमारा बैच चल रहा है, जैसे वो बैच कंप्लीट होएगा उसके बाद विल यू नो विल डू द अनाउंसमेंट। चौथी चीज मैं बता दूं बेटा, फोर्थ वन बता दूं बेटा कि ये यहां पे हमारा फोकस अगेन किस पे होगा, क्वालिटी पे ना कि क्वांटिटी पे, ठीक है, फोकस किस पे होगा, क्वालिटी पे ना कि क्वांटिटी पे। अच्छा सर ठीक है, इसके अलावा हमें क्या करना है, यू कैन डू वन थिंग दोस्तों, सी साइमेंटेनियसली आप लोग क्या करते हो दोस्तों, कॉन्सेंट्रेट करना, यू कैन स्टार्ट विथ पार्ट बी। खुद से जो बच्चे पूछ रहे हैं कि सर हम क्या करें, है ना, खुद से जो पूछ रहे हैं वो हम क्या करें, तो यू कैन स्टार्ट विद द वर्ड बेटा, आपका पार्ट बी से स्टार्ट कर सकते हो। देयर इज वन मैराथन अपलोडेड, एंड मैराथन नहीं है वो, डिटेल रिवीजन है, समाधान मैराथन अपलोडेड है, तो उसको एक बार आप कंपल्सरी वॉच करना है, कंपल्सरी देखना है, नहीं कंपल्सरी आपको वो देख लेना है, ताकि जब मैं लूं तो उसको और अच्छे से क्या हो जाएगा, वो कवर हो जाएगा, ठीक है, पार्ट भी जब मैं स्टार्ट करूंगा तो वो बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। चले करें तो शुरू करें अभी, ठीक है, अंजलि रुक जा बेटा, हाँ यूनिक वालों के लिए अपलोड होगा, डेफिनेटली अपलोड होगा, आपके वेबसाइट पे आ जाएगा, टेंशन ना लो, टैक्स और SBC भी आएगा। अभी हम लोग स्टार्ट करें JIGL और वर्ड बेटा आपका दूसरा कंपनी लॉ, फिर जैसे JIGL कंप्लीट होता है मोदी सर विल स्टार्ट विद दी SBIL और SBC, ठीक है, और टैक्स का अनाउंसमेंट आएगा, सर करेंगे टैक्स का अनाउंसमेंट। चले तो शुरू करें क्या बेटा, शुरू करें एवरीबॉडी, सबसे पहले जल्दी से लेक्चर को लाइक कर दो, लाइक से स्टार्ट करो, फास्ट डू इट फास्ट, जल्दी से लेक्चर को लाइक कर दो और शुरू करते हैं दोस्तों। सर अमेंडमेंट्स, डेफिनेटली आपके अमेंडमेंट्स का एक सेपरेट लेक्चर आएगा, उसमें अमेंडमेंट्स आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है, चले शुरू करते हैं। अच्छा ओल्ड सिलेबस के हैंड रिटन नोट्स, अच्छा दूसरी एक चीज क्लैरिटी देता हूं सर, हैंड रिटन नोट्स कहां अवेलेबल होंगे, तो जो ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे हैं उनके हैंड रिटन नोट्स ऑलरेडी कहां पे अपलोड हो चुके हैं, वेबसाइट पे ऑलरेडी हैं, तो जो न्यू वाले हैं वो 2-3 दिन का वेट करना, 2-3 दिन के अंदर उसको हम वेबसाइट पे क्या करवा देंगे, अपलोड करवा देंगे, ठीक है, तो 2-3 दिन वेट करना, उसको वेबसाइट पे क्या करेंगे, अपलोड करवा देंगे। सर पार्ट बी का समाधान का लिंक भेज देना, डेफिनेटली मैं सेंड करवा दूंगा आपके ग्रुप पे, डोंट वरी, मैं आपके ग्रुप में क्या करूंगा, उसको समाधान का लिंक भेज दूंगा, इनफैक्ट मैं अभी उसको पिन कर देता हूं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, अभी मैं इसको पिन करके इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, ठीक है ना।
ठीक है अंजलि बेटा, एंड में विल डिस्कस, या फिर तू मुझे इंस्टा पे भेज दे, मैं चेक कर लेता हूँ। अभी अपन चैप्टर टू शुरू कर रहे हैं, ठीक है। आ जाइए सभी लोग यहाँ पे, ध्यान दीजिए। वी गोना स्टार्टिंग विद द वर्ड बेटा, आपका चैप्टर नंबर सेकंड से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, एकदम आराम से समझते हैं। चैप्टर नंबर सेकंड ओल्ड और चैप्टर नंबर फोर फॉर वर्ड बेटा आपका न्यू वाले के लिए। मॉड्यूल का एंटायर कवरेज करते हुए चलेंगे बेटा, मॉड्यूल का एंटायर कवरेज करते हुए चलेंगे, ताकि थोड़ा सा आपको क्या हो जाए यहाँ पे, हाँ थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, बाकी कुछ नहीं। चलिए ओके, सभी लोग यहां ध्यान दीजिएगा बेटा, टाइम यही रहेगा, थोड़ा सा कल से टाइम थोड़ा लेट कर देंगे। एक्चुअली ये लंच का टाइम रहता है आपका, तो थोड़ा 15-20 मिनट उसको थोड़ा क्या करेंगे, लेट कर देंगे, ताकि आप लंच विंच करके आओ आराम से। ओके उठ जाओ, एकदम स्ट्रेट, एकदम एनर्जी के साथ बैठना। देखो यार, रिविजन का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, जिन्होंने अभी लेक्चर को लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर दो फास्ट। अच्छा, रिवीजन का हमारा ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि अब वो टाइम आ चुका है कि जहां पे हम चीजों को याद करना स्टार्ट कर दें, ठीक है ना। जब आप मेन लेक्चर्स देख रहे थे, कहीं से भी आप देख रहे थे मेन लेक्चर्स, तो उस टाइम पे ऐसा था कि चलो ठीक है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी इंपॉर्टेंट थी, बट अब कंसेप्चुअल क्लैरिटी आने के बाद आपको इसको क्या करना पड़ेगा, लर्निंग पे फोकस करना पड़ेगा। तो नाउ अपना जो फोकस जो है ना, वो कहां पे हो जाना चाहिए बेटा, आपका शिफ्ट हो जाना चाहिए न्यू पे। सर ओल्ड मॉड्यूल ओपन करो, देखो ओल्ड मॉड्यूल में अभी भी बहुत सारी चीजें जो है अभी भी आउटडेटेड है, क्योंकि उन्होंने 2022 के बाद उसको अपडेट नहीं किया है, ठीक है। दैट्स व्हाई अपन क्या ओपन कर रहे हैं, न्यू वाले से कर रहे हैं, ठीक है, चालू कर रहे हैं। दोस्तों कॉन्सेंट्रेट करना, सबसे पहले अगर हम बात करें शेयर कैपिटल की, यार शेयर कैपिटल को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला कौन सा है, इक्विटी शेयर कैपिटल, और दूसरा कौन सा है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। एक कौन सा बेटा आपका, इक्विटी शेयर कैपिटल, दूसरा कौन सा है आपका, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। एकदम फुल एनर्जी के साथ, जिन्होंने अभी भी लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर दो फास्ट, जल्दी से लाइक कर दो जिन्होंने नहीं किया अभी तक लाइक। तो इक्विटी शेयर कैपिटल को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक कौन सा, इक्विटी बोलो, कैपिटल को हम कितने पार्ट में डिवाइड किए हैं, दो पार्ट में। एक कौन सा आपका, इक्विटी शेयर कैपिटल, और दूसरा कौन सा बेटा आपका, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अच्छा, इक्विटी और प्रेफरेंस का क्या है बताइए, अवंतिका आपको रिकॉर्डेड ही देखना है बेटा, जो दोनों ग्रुप दे रहे हैं उनको रिकॉर्डेड ही देखना है बाबू, वो लाइव के चक्कर में ना जाओ, आपके पास उतना टाइम नहीं है बाबू। हाँ जी, सो एक आपका कौन सा है, आपका इक्विटी शेयर कैपिटल, दूसरा कौन सा बेटा आपका, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। जब हम लोग बात करें इक्विटी शेयर कैपिटल की, तो इक्विटी शेयर्स को, उसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक है इक्विटी शेयर्स विद वोटिंग राइट्स, और दूसरा है डीवीआर। डीवीआर इज व्हाट बेटा आपका, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। बोलो डीवीआर मतलब क्या बेटा, डिफरेंशियल। बहुत बढ़िया, तो इक्विटी शेयर्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया है, दो। एक कौन सा, इक्विटी शेयर कैपिटल मतलब नॉर्मल इक्विटी शेयर्स कैपिटल, दूसरा कौन सा बेटा आपका, इक्विटी शेयर कैपिटल विद डीवीआर। अब यहां पे इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स का डिफरेंस दिया है, डोंट कंसीडर, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल भी इसको कंसीडर नहीं करना है आपको। अच्छा, इसमें एक चीज पढ़ने जैसी यह है, प्रेफरेंस शेयर्स को वोटिंग होते हैं क्या, अरे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वोटिंग होता है क्या, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वोटिंग होता, लेकिन 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 कुछ ऐसी सिचुएशन है जहां पे प्रेफरेंस शेयर्स को क्या जाएगा, वोटिंग आ जाएगा। कुछ ऐसी सिचुएशन है जहां पे प्रेफरेंस शेयर्स को क्या हो जाएगा, वोटिंग आएगा। सर कब आएगा वोटिंग प्रेफरेंस शेयर्स को, तो बता दे दोस्तों, एक तो अगर आपने दो साल से, कितने साल से, दो साल से अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को आपने डिविडेंड नहीं दिया है, कितने साल से, दो साल से आपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या नहीं दिया है, डिविडेंड नहीं दिया है, तो तीसरे साल में उसके पास क्या आ जाएगा, डिविडेंड का पावर आएगा, वोटिंग का पावर आ जाएगा, तो उनके पास क्या आ जाएगा, राइट टू वोट। तो प्रेफरेंस शेयर्स को कब आएगा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो नोट डाउन करने वाला है, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो नोट डाउन करने वाला है, कब आएगा प्रेफरेंस शेयर्स के पास वोटिंग पावर, जब कितने साल बेटा, दो साल। कितने साल बेटा, दो साल तक क्या नहीं दिया आपने, डिविडेंड नहीं दिया, दो साल तक आपने डिविडेंड नहीं दिया, तो उसको क्या आ जाएगा, वोटिंग पावर। तो क्या आ जाएगा बेटा, वोटिंग पावर। ओके, अब देखो नेक्स्ट वन डेफिनेशन दी है सिक्योरिटी की, किसकी डेफिनेशन दी हुई है, सिक्योरिटी। देखो सिक्योरिटी में सब कुछ कवर हो गया, शेयर्स कवर हो गए, बॉन्ड कवर हो गए, डिबेंचर्स कवर हो गए, म्यूचुअल फंड के यूनिट्स कवर हो गए, उसके बाद सिक्योरिटी रिसीट्स कवर हो गई, सारी चीजें जितनी भी हम पढ़ते हैं ना, म्यूचुअल फंड के यूनिट्स पढ़ते हैं, सीआईएस के यूनिट्स पढ़ते हैं, है ना, उसके बाद में शेयर्स पढ़ते हैं, बॉन्ड पढ़ते हैं, डिबेंचर्स पढ़ते हैं, सारी चीजें किसमें कवर कर दी है, आपके सिक्योरिटी में। अब सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इज इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाट बेटा आपका, प्रोस्पेक्टस। दैट इज व्हाट बेटा आपका, प्रोस्पेक्टस।
मेरे साथ रिवीजन करते हुए चलना है। देखो क्या पैटर्न क्या होना चाहिए समझना, पैटर्न क्या होना चाहिए समझना। आप जब लेक्चर अटेंड कर रहे हो, अटेंड करने के पहले आपने क्या कर देना है, पढ़ के आना है। सी पैटर्न विल कीप इट वेरी सिंपल। जब भी मैं रिवीजन लूंगा, जैसे अभी मैंने बताया कि 3-4 दिन आपके कौन से लेक्चर चलेंगे, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 2 यही चलेगा, बराबर है। तो आपने क्या करना है, ये चैप्टर पूरा पढ़ लेना है, पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ के आना है। मेरे साथ एक बार पढ़ोगे और एक बार ये लेक्चर होने के बाद घर पे जाके भी पढ़ोगे। तो 3 टाइप का रिवीजन आपका होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 3 टाइप का रिवीजन होना चाहिए। पहला कौन सा सर, रिकॉर्डेड मिलेगा क्या? तो स्टार्टिंग में क्यों बोला, मिलेगा, लेकिन फिर आपको उसके लिए अलग से पैसे नहीं लेंगे, डोंट वरी। उसकी अलग प्रोसीजर होगी, फीस नहीं है, डोंट वरी, कोई फीस नहीं है बेटा रिवीजन की, बट उसकी अलग से प्रोसीजर होगी, वो आपको फॉलो करवानी करनी पड़ेगी बेटा फिर, लेकिन वो बाद में मिलेंगे, फिर ऐसा हो जाएगा। हाँ, सो पहले बताइए, देखो अब हम आ रहे हैं प्रोस्पेक्टस पे। किसकी बात करें बेटा, प्रोस्पेक्टस। कृतिका अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो करो, अगर बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंस है तो करने की जरूरत नहीं है। चलिए, कमेंट कम करना, फोकस आपका पूरा प्रोविजन पे रहने देना, ठीक है ना। आपस में कमेंट, आपस में बातें कम करना बेटा। चले, प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या होता है, एकदम आराम से। प्रोस्पेक्टस मत बोले, प्रोस्पेक्टस मतलब एनी डॉक्यूमेंट। प्रोस्पेक्टस मतलब व्हाट बेटा आपका, एनी डॉक्यूमेंट इश्यूड एज अ प्रोस्पेक्टस। बोलो मेरे साथ, इश्यूड एज अ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस का मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट जिसको कंपनी क्लेम करती है कि ये क्या है, प्रोस्पेक्टस है। कोई भी डॉक्यूमेंट जिसको कंपनी क्लेम करती है कि ये हमारा क्या है, प्रोस्पेक्टस, उस डॉक्यूमेंट को क्या माना जाएगा, प्रोस्पेक्टस माना जाएगा। इसके अंदर इंक्लूड किया है रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। क्या इंक्लूड किया है, रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। इसके अंदर इंक्लूड किया है शेल्फ प्रोस्पेक्टस। कौन सा प्रोस्पेक्टस बोलते हुए चलो, कौन सा प्रोस्पेक्टस बेटा, बताइए एवरीबॉडी, बताइए क्या बात कर रहे हैं। बताइए बताइए क्या बात कर रहे हैं, किसकी डेफिनेशन है, प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस मींस व्हाट, एनी डॉक्यूमेंट। बोलो प्रोस्पेक्टस मींस व्हाट बेटा आपका, एनी डॉक्यूमेंट इश्यूड एज अ प्रोस्पेक्टस। एनी डॉक्यूमेंट इश्यूड एज अ प्रोस्पेक्टस विच इंक्लूड रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, शेल प्रोस्पेक्टस, या कोई भी नोटिस, कोई भी क्या नोटिस हो सकता है, कोई भी सर्क्यूलर हो सकता है, कोई भी एडवर्टीजमेंट हो सकता है जो इनवाइट कर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो क्या कर रहा है, इनवाइट कर रहा है। सर किसको इनवाइट कर रहा है, पब्लिक एट लार्ज को इनवाइट कर रहा है। किसको इनवाइट कर रहा है, बोलो ना, पब्लिक एट लार्ज को। किस चीज के लिए इनवाइट कर रहा है, कि भैया क्या करिए, परचेज करिए। क्या करिए, परचेज करिए, या क्या करिए भैया, सब्सक्राइब करिए। किस चीज को, सिक्योरिटीज को। किस चीज को बेटा, सिक्योरिटीज को। वेरी इंपॉर्टेंट, पहले मेरी बात समझना। कृतिका जहां अमेंडमेंट होगी वहां बताऊंगा ना बेटा। सभी सबसे पहले प्रोस्पेक्टस की डेफिनेशन मेरे साथ सभी लोगों ने बोलना है। व्हाट इज प्रोस्पेक्टस, एनी डॉक्यूमेंट इश्यूड एज अ प्रोस्पेक्टस। प्लीज आपस में बातें नहीं करना है, सभी ने यहां ध्यान देना। एनी डॉक्यूमेंट इश्यूड एज अ, इट इंक्लूड्स व्हाट बेटा, क्या क्या आएगा उसके अंदर, रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। अभी अगले इसमें पढ़ने वाले हैं, डोंट वरी। दूसरा शेल प्रोस्पेक्टस, तीसरा नोटिस, एडवर्टीजमेंट, सर्कुलर, जो किसको इनवाइट कर रहा है, पब्लिक को। किसको इनवाइट कर रहा है, पब्लिक को। किस चीज के लिए, परचेस और सब्सक्राइब दी सिक्योरिटी। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, कि भाई कोई भी डॉक्यूमेंट हो वो। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है, इन्विटेशन किसको दे रहा है, इन्विटेशन किसको दे रहा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, पब्लिक को। किस चीज का इन्विटेशन दे रहा है, कि हमारी सिक्योरिटी को क्या करिए, परचेज करिए। हमारी सिक्योरिटी को क्या करिए बेटा, परचेज करिए या सब्सक्राइब करिए। टाइप सी चार्जर देना बेटा। कितने दिन चलेगा रिवीजन लेक्चर्स, अप्रोक्सीमेटली 20 से 25 दिन चलेगा बेटा। सो देखो यारो, क्या बोला है, प्रोस्पेक्टस का मतलब देखो क्या दिया हुआ है बेटी, प्रोस्पेक्टस का मतलब देखो क्या दिया हुआ है बाबू। सभी लोग यहां पे ध्यान दीजिएगा, बुक में एक बार मॉड्यूल दिखा देता हूं आपको, ठीक है। क्या बोला गया है देखो यार, यस। सो क्या बोला, प्रोस्पेक्टस एज टू मीन एनी डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब और इश्यूड एज अ प्रोस्पेक्टस। कोई भी डॉक्यूमेंट है, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको हमने क्या डिस्क्राइब किया है या इश्यू किया एज अ प्रोस्पेक्टस, उसमें क्या आएगा, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस एज पर सेक्शन 32। क्या आ जाएगा, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस एज पर सेक्शन 32। देन शेल प्रोस्पेक्टस एज पर सेक्शन 31, है ना सर। ओल्ड मॉड्यूल से पढ़ाओ, मैंने बताया जैसे आप लोगों को कि भैया ओल्ड में कैसा है, कि अभी अपडेट नहीं हुआ आपका मॉड्यूल,
क्योंकि अब अपडेट होने वाला भी नहीं है, दैट्स व्हाई वी आर रेफरिंग न्यू मॉड्यूल। कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, कंटेंट सेम है ना, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बस लिखने का तरीका अलग हुआ है। अच्छा, उसके बाद क्या बोला गया, एनी नोटिसेस सर्कुलर और व्हाट बेटा आपका एडवर्टीजमेंट या अदर डॉक्यूमेंट जो क्या कर रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं किसको, पब्लिक को, किस चीज के लिए, सब्सक्राइब और परचेस ऑफ एनी सिक्योरिटी। इससे क्या क्वेश्चन आता है सुनना बेटा, इससे ये क्वेश्चन आता है, सपोज फॉर एग्जाम्पल क्या केस स्टडी आपकी यहां पर बन सकती है, इससे ये केस स्टडी बन सकती है। सपोज हुआ यू, देयर इज अ कंपनी और कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने एक छोटा सा न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट दे दिया। कंपनी ने न्यूज़पेपर में क्या दे दिया, एक छोटा सा एडवर्टीजमेंट। कंपनी ने एक छोटा सा न्यूज़पेपर में क्या दे दिया, बोलो ना, एडवर्टीजमेंट दे दिया। और उस एडवर्टीजमेंट में लिखा हुआ है कि आप कंपनी के शेयर्स को क्या कर सकते हो, सब्सक्राइब। क्या उस एडवर्टीजमेंट को प्रोस्पेक्टस मान लिया जाएगा? आंसर इज यस, आंसर इज यस। इंपॉर्टेंट क्या है पता है, इंपॉर्टेंट यह है कि जब आप किसको इनवाइट कर रहे हो, पब्लिक को। डॉक्यूमेंट कोई भी फॉर्म में हो सकता है, कोई एडवर्टीजमेंट हो सकती है, छोटा सा नोटिस हो सकता है, कोई सर्कुलर हो सकता है, लेकिन आप इनवाइट किसको कर रहे हो, उस सर्कुलर से पब्लिक को। इनवाइट किसको कर रहे हो, पब्लिक को, तो उसको क्या माना जाएगा, प्रोस्पेक्टस। उसको क्या माना जाएगा बेटा, प्रोस्पेक्टस, करेक्ट है। तो प्रोस्पेक्टस में ऐसा कुछ नहीं कि भैया वाकायदा कोई फॉर्म में प्रोस्पेक्टस होना चाहिए। अगर आप कोई नोटिस, एडवर्टीजमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट जिससे आप क्या इनवाइट कर रहे हो, पब्लिक को, उस डॉक्यूमेंट को हम क्या मानेंगे, ये आपका क्या है, प्रोस्पेक्टस है। ये आपका क्या है बेटा, प्रोस्पेक्टस है। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ व्हाट बेटा आपका, प्रोस्पेक्टस। अब आपको अलग अलग टाइप्स के क्या दिए हुए, प्रोस्पेक्टस, अलग अलग टाइप्स के क्या दिए हैं दोस्तों, प्रोस्पेक्टस, जिसमें पहला डेफिनेशन दिया है किसका, आर एच पी प्रोस्पेक्टस। और रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के लिए सेक्शन कौन सा देखना हमें, 32। ठीक है, क्या प्रोस्पेक्टस क्लियर है आपको, बोलो प्रोस्पेक्टस क्लियर है क्या, बताइए जल्दी से। व्हाट इज प्रोस्पेक्टस एवरीबॉडी टेल मी, एनी डॉक्यूमेंट, मेरे को याद चाहिए यहां पे, बोलो, एनी डॉक्यूमेंट इश्यूड एज अ प्रोस्पेक्टस विच इंक्लूड्स रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, शेल प्रोस्पेक्टस, एनी नोटिसेस, सर्क्यूलर, एडवर्टीजमेंट विच इनवाइट्स पब्लिक टू परचेज और सब्सक्राइब द सिक्योरिटीज ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट। सिक्योरिटीज वर्ड यूज किया है, सिक्योरिटीज वर्ड यूज किया है। अगर आप डिबेंचर भी इश्यू कर रहे हो ना, तो भी प्रोस्पेक्टस देना पड़ेगा, तो भी क्या देना पड़ेगा, प्रोस्पेक्टस। तो सर ये एडवर्टीजमेंट फाइल नहीं हुई है आरओसी के साथ, तो करना पड़ेगा, डेफिनेटली करना पड़ेगा वैभव। ओके, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट वन डेफिनेशन दिया, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। कौन सा प्रोस्पेक्टस, मैड मैक्स हो जाएगा, देखो कोशिश करो, समझ में आ जाएगा बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट वन क्या बोला गया, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस का सेक्शन कौन सा, बोलो, 32। सेक्शन नंबर कौन सा बेटा, 32। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस की अगर हम बात करें बड़ी सर, सेक्शन से पढ़ाओ, अरे ओ सेनापति पढ़ ले चुपचाप से, पंचायती कम कर। हाँ, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस का सेक्शन कौन सा है, 32। रेड हेरिंग को बोलते हैं मिसिंग वाला प्रोस्पेक्टस, क्या बोलते हैं इसको, एवरीबॉडी प्लीज यहां बैठे हो तो यहां के बन के रहो, प्लीज ध्यान दो, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस मतलब क्या, मिसिंग वाला प्रोस्पेक्टस। एवरीबॉडी कौन सा प्रोस्पेक्टस, अच्छा सर मिसिंग वाला प्रोस्पेक्टस मतलब क्या, तो इस प्रोस्पेक्टस के अंदर, इस डॉक्यूमेंट के अंदर दो इंफॉर्मेशन नहीं होगी, कितनी इंफॉर्मेशन नहीं होगी, दो। पूछो कौन सी, पूछो कौन सी, इसमें दो इंफॉर्मेशन नहीं होगी। एक तो इसमें क्या नहीं बताया जाएगा, प्राइस, एक क्या नहीं बताया जाएगा, प्राइस, और दूसरा क्या नहीं बताया जाएगा, क्वांटम। गलत मत सुनो और गलत मत समझो, क्या नहीं बताया जाएगा, क्वांटम। एक तो क्या नहीं होगा, प्राइस, दूसरा क्या नहीं होगा, क्वांटम, क्वांटिटी। क्वांटम मतलब क्या होता है, क्वांटिटी। क्वांटम मतलब क्या होता है, क्वांटिटी। अरे यस और नो, सो इसमें दो इंफॉर्मेशन नहीं है, एक तो आपका क्या नहीं है भैया, प्राइस नहीं है, एक तो क्या नहीं है भैया, प्राइस नहीं है, और दूसरा क्या नहीं है इसके अंदर, नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर। दूसरा क्या नहीं है इसके अंदर, नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर। अच्छा सर बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं है, इसके अंदर क्या बात है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। सर मेरे को बताओ, सर मेरे को एक बात बताओ, अगर प्रोस्पेक्टस में प्राइस ही नहीं होगा, सर प्रोस्पेक्टस में क्या नहीं होगा, प्राइस ही नहीं होगा, भाई प्राइस ही नहीं है तो खरीदेंगे कौन से प्राइस पे, तो प्राइस नहीं दिया जाता है यहां पे, क्या दिया जाता है, प्राइस बैंड। प्राइस बैंड या तो क्या दिया जाएगा, लोअर प्राइस, कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा ना। अरे किसी प्रोडक्ट का प्राइस नहीं लिखा है,
किसी प्रोडक्ट का प्राइस नहीं लिखा है तो चलो ठीक है, प्राइस नहीं लिखा है, एटलीस्ट क्या दो, प्राइस बैंड। प्राइस बैंड का मतलब होता है एक रेंज दे दो, रेफरेंस प्राइस दे दो, जैसे 100 रुपए से लेके 120 रुपए तक, 100 रुपए से लेके क्या दे दिया आपने 100, दिस इज व्हाट बेटा आपका प्राइस बैंड, दिस इज व्हाट बेटा आपका प्राइस बैंड। तो प्रोस्पेक्टस में प्राइस नहीं होगी और दूसरा क्या नहीं होगा बेटा, प्राइस नहीं होगी, दूसरा क्या होता है नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड, मतलब क्या नहीं होगा क्वांटिटी, क्या नहीं होगा बेटा बोलो ना क्वांटिटी, हाँ या ना। अच्छा सो पहली चीज तो क्या नहीं होगा बताइए एवरीबॉडी, क्या नहीं होगा बोलो बोलो जल्दी बोलो, क्या नहीं होगा फास्ट फास्ट, क्या नहीं होगा प्राइस नहीं होगा, दूसरा क्या नहीं होगा क्वांटिटी नहीं होगा, प्राइस नहीं होगा और क्या नहीं होगा क्वांटिटी, सर प्राइस और क्वांटिटी नहीं है तो क्या होगा प्राइस बैंड या फिर लोअर प्राइस, लोअर प्राइस को बोलते हैं फ्लोर प्राइस, लोअर प्राइस को क्या बोलते हैं, आयुसोर आयुसोर पक्का क्या, चले अभी देखो कुछ 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 चीजें ऐसी है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में दोस्तों, यस डेफिनेटली ऋषिकेश डेफिनेटली देख सकते हो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हाँ जी अब देखो मेरी बात समझना क्या बोला गया है देखो हम पहले आरओसी को रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस देंगे, आरओसी को पहले क्या देंगे रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में प्राइस है क्या नहीं है, लेकिन बाद में ऑब्वियस ही बात है प्राइस तो कहीं ना कहीं आगे जाके डिसाइड होगा ही होगा, उस प्राइस को हम बोलेंगे कट ऑफ प्राइस, कौन सा प्राइस बोलेंगे, कौन सा प्राइस बोलेंगे उसको बोलो ना कट ऑफ प्राइस, और एक बार आपको प्राइस मिल गया फिर से आरएचपी में हम प्राइस ऐड करेंगे तो वो क्या बन जाएगा प्रोस्पेक्टस, ओ बेटा स्त्री यहां ध्यान देना क्या बन जाएगा वो प्रोस्पेक्टस, और वो प्रोस्पेक्टस को किसको फाइल करना पड़ेगा फिर से आरओसी को, तो यहां डबल फाइलिंग होगा, कितना फाइलिंग होगा डबल फाइलिंग, पहले आरओसी को क्या फाइल करोगे आप रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, अरे ढुकलो पहले आरओसी को क्या फाइल करोगे बेटा रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, और दूसरा क्या फाइल करोगे सेकेंड वन फिर प्रोस्पेक्टस, क्योंकि रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, कुछ इन्फॉर्मेशन क्या है मिसिंग है अंकिता वेरी सुन है ना अनाउंसमेंट कर देता हूं आपको, मिसिंग है कुछ इन्फॉर्मेशन क्या है आपका मिसिंग है, तो वो बाकी की इन्फॉर्मेशन उसमें क्या करोगे आप ऐड करोगे तो वो क्या बन जाएगा प्रोस्पेक्टस, क्या बन जाएगा प्रोस्पेक्टस। अब इसमें ना एक चीज समझना पड़ी, बात समझते अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करना, हाँ बात समझना पड़ी, होता यूं है आपने आरएचपी फाइल किया, क्या फाइल किया बेटा पक्का आरएचपी, आप किसको फाइल करते हो, लेकिन इसमें क्या नहीं है प्राइस नहीं है, और दूसरा क्या नहीं है क्वांटम, मतलब क्या बहुत बढ़िया क्वांटम नहीं है क्वांटिटी नहीं है बहुत बढ़िया, तो दूसरा उसके अंदर है क्या, क्या रहता है इसके अंदर, या फिर क्या रहता है प्राइस बैंड, या फिर क्या रहता है दोस्तों लोअर प्राइस पक्का। अब देखो जब हमने प्राइस बैंड दे दिया, प्राइस बैंड का मतलब होता है कि आपने लोअर प्राइस भी दी है एंड अपर प्राइस भी दी है, लोअर प्राइस भी दिया है और क्या दिया है अपर प्राइस, लोअर प्राइस को क्या बोलते हैं फ्लोर प्राइस बोलो ना क्या बोलते हैं, और अपर प्राइस को क्या बोलते हैं कैप प्राइस, और बोले इन दोनों का बीच का गैप मैक्सिमम कितना हो सकता है 20%, मैक्सिमम कितना हो सकता है 20%, यस लवली बेटा, और मिनिमम कितना होगा 5%, कम से कम गैप कितना होगा 25%, ज्यादा से सॉरी कम से कम गैप कितना होगा 5%, ज्यादा से ज्यादा कितना होगा 20%, इसका मतलब समझिए अगर मैंने फ्लोर प्राइस 100 रुपए रखा हुआ है तो कैप प्राइस कितना हो सकता है मैक्सिमम कितना हो सकता है 120, क्योंकि 100 का 20% कितना होता है 20, तो मैक्सिमम कितना हो सकता है 120, गॉट द पॉइंट। अच्छा मिनिमम कितना होगा अगर मैंने 100 रखा तो यहां ऐसे रख सकता हूं 100 and 101, नॉट अलाउड, क्यों नॉट अलाउड, क्योंकि गेम कब से कम कितना परसेंट होना चाहिए 5% का कम से कम गैप होना चाहिए, तो अगर 100 रुपए है तो कम से कम कितना रखना पड़ेगा ऊपर 105, ठीक है ना, द लीजेंड सब समझ में आएगा, ध्यान से सुन बेटा बात तो एक ही है, ये खाओ इधर खाओ पेट में जाना है, यहां ध्यान दे बेटा, सो मिनिमम गैप होना चाहिए 5% और मैक्सिमम कितना हो सकता है दोस्तों 25%, ठीक है ना, मिनिमम गैप कितना होना चाहिए 5% और मैक्सिमम कितना होगा आपका 20%, ओके सर कोई दिक्कत नहीं है। जब भी आपका इश्यू ओपन होगा सर आरएचपी के कोई और अदर कंडीशन तो भाई तो बताओ ना, पहला आरएचपी का कंडीशन बोला, पहला पॉइंट बताओ आरएचपी डज नॉट इंक्लूड व्हाट बेटा, क्या नहीं आएगा उसके अंदर बोलते हो चलो भाई क्या नहीं आएगा, एकदम रिवीजन जोश के साथ होना चाहिए, क्या नहीं होगा पहला प्राइस और क्वांटिटी, प्राइस और
अगर प्राइस और क्वांटिटी नहीं है तो क्या होगा? प्राइस बैंड या लोअर प्राइस। प्राइस बैंड मतलब क्या? अपर प्राइस एंड लोअर, दोनों प्राइस होगा। प्राइस बैंड मतलब दोनों होगा। अच्छा, दोनों के बीच का गैप मैक्सिमम, मिनिमम, मिनिमम, मैक्सिमम। बहुत बढ़िया। जिस दिन आपका इश्यू ओपन होगा, जिस दिन आपका क्या ओपन होगा, जिस दिन आपका इश्यू ओपन होगा उसके तीन दिन पहले, कितने दिन पहले? 3 days प्रायर टू इश्यू ओपनिंग डेट आपको आरएचपी किसको देना पड़ेगा? आरओसी को। सर ये इश्यू ओपन होना मतलब क्या, समझ नहीं आया यार। अरे यार, कॉलेज के आपके एडमिशन ओपन होते हैं तो एक टाइम होता है ना कि यार यहां से लेके यहां पे आपका क्या होगा, कॉलेज का क्या होगा बेटा, आपका एडमिशन होगा। तो कहने का मतलब क्या है, इश्यू ओपन होगा मतलब ये उस वो पीरियड की बात करें जिसमें आप शेयर्स खरीदते हो, जिसमें आप क्या खरीदते हो बेटे, शेयर्स खरीद। तो यार ना, जब इश्यू ओपन होने वाला है, समझो आज 15 तारीख को इश्यू ओपन कर रहे हैं, तो उसके कितने दिन पहले आपको आरओसी को फाइल करना पड़ेगा? 3 दिन पहले। कितने दिन पहले फाइल करना पड़ेगा आरओसी को? 3 दिन पहले। किसको फाइल करना पड़ेगा? आरएचपी। किसको देना पड़ेगा? आरओसी को देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा बेटे? आरओसी को। देखो यहां पे अगर आप देखोगे ना, बहुत जगह ऐसी है, ऐसी बात नहीं, बहुत सारी चीजें ऐसी है जिसमें अगर आप देखो ना, मॉड्यूल में बहुत सारे पॉइंट्स नहीं भी होंगे बट अपन ने वो करे हुए हैं, तो हमको वो करते हुए चलना है क्योंकि बहुत सारी चीजें रूल्स में आ जाती है या केस स्टडी से आती है, तो मैंने वो लिखवा के दिया हुआ है। ठीक है, कितने दिन पहले बोलोगे? बोलो कितने दिन पहले बोलोगे? 3 दिन पहले। कितने दिन पहले दोगे बेटा? 3 दिन पहले। अच्छा यार, अब देखो इश्यू ओपन हो गया, क्या हो गया? इश्यू ओपन हो गया। इश्यू ओपन होने के बाद क्या होगा पता है? इशू ओपन होने के बाद लोग एप्लीकेशन देंगे। एप्लीकेशन देने के बाद एक फाइनल प्राइस डिसाइड होगी जिसको हम बोलते हैं कट ऑफ प्राइस। फाइनल प्राइस डिसाइड होगी जिसको क्या बोलेंगे? यस और नो। एक फाइनल प्राइस डिसाइड होगी जिसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? कट ऑफ प्राइस। और एक बार जैसे ही आपका क्या डिसाइड हो गया? कट ऑफ प्राइस डिसाइड हो गया। क्या डिसाइड हो गया? कट ऑफ प्राइस। पहले आपने क्या फाइल किया था आरओसी को? क्या फाइल किया था पहले आपने? आरएचपी। एक बार आरएचपी आपने पहले फाइल ऑलरेडी आप कर चुके हो। अब आरएचपी फाइल करने के बाद आरएचपी में प्राइस अवेलेबल नहीं था, तो एक बार कट ऑफ प्राइस डिसाइड कर लिया तो क्या प्राइस और क्वांटिटी हमें मिल जाएगी, और ये ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा बेटा? वो प्रोस्पेक्टस। और ये प्रोस्पेक्टस फिर से किसको फाइल करना है? आरओसी को। तो आरओसी को पहले क्या फाइल किया आपने? आरएचपी। दूसरी बार क्या फाइल किया? पहला क्या फाइल किया आपने? आरएचपी। फिर क्या फाइल किया? प्रोस्पेक्टस, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन नहीं थी, वो मिल गई। तो अब देखो मुझे बताओ, आरएचपी और प्रोस्पेक्टस के अंदर थोड़ी इंफॉर्मेशन में चेंज होगा ना? कौन सी इंफॉर्मेशन चेंज होगा? इसमें प्राइस नहीं था लेकिन इसमें प्राइस है, इसमें क्वांटिटी नहीं थी, इसमें क्वांटिटी है। तो उस जितना भी जो भी चेंज हुआ है उसको क्या करना है? हाईलाइट। उसको क्या करना है? हाईलाइट। हाईलाइट करके दे देना जी, है ना, काम आसान हो जाएगा कि ये पुराना वाला था और जहां जहां हाईलाइट किया है वो चेंज हुआ है और ये नया वाला रख लो। ठीक है, सो एनी वेरिएशन, क्या बोला गया है? एनी वेरिएशन, कोई भी अगर वेरिएशन है तो उसको हम क्या करेंगे? उसको हाईलाइट करेंगे। उसको क्या करेंगे? हाईलाइट एज वेरिएशन। एज व्हाट बेटा? आपका वेरिएशन। करेक्ट है कि नहीं है? सो आरओसी को और यहां पे आपको देते हुए चलना है। गॉट द पॉइंट बेबी? गॉट द पॉइंट? यस और नो बता दी जल्दी से। सो यहां तक की बातें क्लियर होगी। हमने आरएचपी देख लिया, क्या देख लिया हमने? आरएचपी। बताइए आरएचपी में क्या नहीं होगा और क्या होगा? एवरीबॉडी ध्यान दो, इधर ध्यान दो, बंद करो ना उसको। क्या होगा क्या नहीं होगा बताइए एवरीबॉडी? प्राइस एंड क्वांटिटी नहीं होगी किसमें? आरएचपी में। तो उसमें क्या होगा? प्राइस बैंड और क्या दिया जाएगा? लोअर प्राइस। प्राइस बैंड और क्या दिया जाएगा बेटा? लोअर प्राइस। अच्छा एक बात बताओ, आरएचपी कितने दिन पहले आरओसी को देना पड़ेगा? 3 दिन पहले। किसको देना पड़ेगा? आरओसी को। कितने दिन पहले देना पड़ेगा? 3 दिन पहले आरओसी को देना पड़ेगा। अच्छा मेरे को बताओ, एक बार बताओ दो चीजें होती है भाई साहब, एक आपको आरओसी को पहले क्या देना पड़ेगा? आरएचपी। उसके बाद सारी इंफॉर्मेशन भर दोगे उसके अंदर तो वो क्या बन जाएगा? तो क्या प्रोस्पेक्टस भी आरओसी को देना पड़ेगा? दोनों देना पड़ेगा। तो दोनों में तो जो चेंजेस थे उसको क्या करेंगे? बहुत बढ़िया, दोनों में जो चेंजेस होंगे उसको क्या करेंगे? हाईलाइट। ये तो समझा ना। चले नेक्स्ट वन कौन सा बेटा? आपका शेल प्रोस्पेक्टस। नेक्स्ट वन कौन सा बेटी? आपका शेल प्रोस्पेक्ट।
अब देखो सेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या होता है, आपको साल में 3-4 बार करना है, आपको साल में 3-4 बार मल्टीपल टाइम्स करना है, आपको एक टाइम नहीं करना है, आपको कैसे करना है मल्टीपल टाइम्स, क्या इशू, ठीक है, पब्लिक इशू आपको मल्टीपल टाइम्स करना है जी। यस लवली जी, अगले वीक में पक्का मिल जाएगा। एमसीक्यूज भी करवाने हैं आपको, ठीक है ना, एमसीक्यूज न्यू सिलेबस वालों को एमसीक्यूज के अलग से सेशन ले लेंगे मेंटीमीटर पे, मेंटीमीटर पे, ठीक है ना। तो आपको मल्टीपल टाइम करना है, क्या करना है बेटा आपको मल्टीपल टाइम, मतलब आपको मल्टीपल टाइम आपको इश्यू लेके आना है। तो भैया बार बार हर बार आप क्या इश्यू करोगे प्रोस्पेक्टस, जब जब आपको करना है क्या इश्यू करोगे प्रोस्पेक्टस। तो उससे बेटर है एक काम करो यार, आपका डिसाइड है ना कि इतने बार आपको करना है, तो एक ही बार क्या कर दो प्रोस्पेक्टस इश्यू कर दो। उस प्रोस्पेक्टस को हम कहा बोले हैं, अरे ससुर के नाती कहा बोले हैं, शेल प्रोस्पेक्टस, मतलब सिंगल प्रोस्पेक्टस, मतलब कौन सिंगल प्रोस्पेक्टस फॉर मल्टीपल इश्यू, सिंगल प्रोस्पेक्टस फॉर व्हाट बेटा आपका मल्टीपल इश्यू। तो क्या बोला बेटे, जब भी अगर हम शेल प्रोस्पेक्टस का मतलब, अच्छा सेक्शन कौन सा है इसका 31, शेल प्रोस्पेक्टस का सेक्शन कौन सा है 31, ठीक है देखते हैं। वॉशरूम जाओ, तू जा क्या बेटा, मैं सब करके आया हूं, वॉशरूम विशरूम सब एकदम टकाटक रेडी है बेटा अपना। हाँ सो प्रोस्पेक्टस समझते हैं एकदम नाम से भाई साहब, बात ये है, ऐसी बात है कि मुझे जो है लेट से आई एम अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, आई एम अ व्हाट बेटा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और लेट से आई एम अ बैंक, और लेट से आई एम अ कंपनी, ठीक है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, बैंक है, कंपनी है, ठीक है, और मुझे जो है ना मैंने डिसाइड करा है कि मुझे मल्टीपल इश्यूज लाने हैं, क्या लाने हैं बेटा मल्टीपल इश्यूज, मुझे क्या लाने हैं बताइए ना मल्टीपल इश्यूज, बराबर है, मुझे कैसे इश्यूज लेके आने हैं मल्टीपल इश्यूज, बराबर। तो अब क्या किया मैंने, दीज बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन स्पेसिफाइड बाय हूम सेबी, तो सेबी ने इनको क्या बोला कि भैया तुमको मल्टीपल टाइम लाना है, ठीक है लाओ यार मल्टीपल टाइम लाना है, ठीक है लाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई वांदा नहीं, कोई टेंशन नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, बस एक काम करो आप भाई, एक काम करो मल्टीपल टाइम इशू लेके आने ना, एक काम करो आप एक ही सिंगल प्रोस्पेक्टस दे दो, कैसा प्रोस्पेक्टस दे दो जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन होगी, मतलब कौन से इशू की इंफॉर्मेशन होगी मल्टीपल इशू की, सिंगल प्रोस्पेक्टस होगा और क्या होगा इसके अंदर मल्टीपल इश्यूज इसके अंदर लिखा जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं साल भर में यहां पे मार्च में मैं फर्स्ट टाइम करने वाला हूं, फिर जून में मैं सेकेंड टाइम करने वाला हूं, फिर अगस्त में मैं थर्ड टाइम करने वाला हूं, अक्टूबर में मैं फोर्थ टाइम करने वाला हूं, तो साल में कितने बार करना है, तो 4 अलग बार प्रोस्पेक्टस देने से बेटर है एक ही बार प्रोस्पेक्टस दे दो जिसके अंदर चारों की क्या हो इंफॉर्मेशन हो। तो उस सिंगल प्रोस्पेक्टस को क्या बोलेंगे शेल प्रोस्पेक्टस, उस सिंगल प्रोस्पेक्टस को क्या बोलेंगे बोलो ना शेल प्रो। सर व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ दिस प्रोस्पेक्टस, जिस दिन फर्स्ट इश्यू ओपन होगा, जिस दिन क्या होगा जिस दिन क्या ओपन होगा बोलो ना फर्स्ट इश्यू ओपन होगा, जब भी आपका फर्स्ट इश्यू ओपन होगा वहां से उसकी वैलिडिटी निकल के आएगी 1 साल, वहां से उसकी वैलिडिटी कितनी होगी 1 साल, और उस 1 साल में आप जो भी इश्यू लेके आओगे उसके लिए आपको प्रोस्पेक्टस देने की जरूरत है या नहीं है, है या नहीं है बोलो बोलो एवरीबॉडी, है या नहीं है, नहीं है। तो इस जो आपने जो डॉक्यूमेंट दिया उसको क्या बोलेंगे शेल प्रोस्पेक्टस, क्या बोलेंगे उसको शेल प्रोस्पेक्टस। अच्छा चलो ठीक है, आपने पहली बार किया इशू, फिर दूसरी बार कर रहे हो आप, तो क्या पहली बार और दूसरी बार में कोई चेंज हो सकता है ना, अरे हाँ है ना, इंफॉर्मेशन तो चेंज हो सकती है, डेफिनेटली हो सकती है, और जब कोई भी मटेरियल इंफॉर्मेशन चेंज हो रही है तो वो बताना भी बहुत जरूरी है, वो बताना भी बहुत जरूरी है। इट इज लाइक व्हाट बेटा, आप सीएसईटी में आए, सीएसईटी में आपने बोला कि चलो हमको एग्जीक्यूटिव का भी फीस दे दो और हमने फाइनल का भी फीस, प्रोफेसर का फीस एक साथ भर देना है, आपने तीनों फीस एक साथ भर दी है, आपने फीस इसलिए भरे कि भैया मोदी सर पढ़ाते हैं, कौन पढ़ाते हैं मोदी सर पढ़ाते हैं,
आपने फीस इसलिए भरी कि मोदी सर पढ़ाते हैं, इसने आपने पैसा भरा है, ठीक है। अब हुआ यूं एग्जीक्यूटिव में आप आए और मोदी सर ने अनाउंस कर दिया अपना रिटायरमेंट। मोदी सर ने क्या अनाउंस कर दिया? आपका रिटायरमेंट। क्या मुझे बताओ, मटेरियल चेंज हो गया। कौन सा चेंज हो गया? मटेरियल चेंज। अब आप क्या मांगोगे भाई साहब? रिफंड, क्योंकि हमारा नेता कैसा हो आया ना, तो आप क्या मांगोगे भाई साहब? उसका रिफंड। सो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है दोस्तों, एफएम का रिवीजन होगा बेटा, डेफिनेटली होगा, अनाउंस होएगा, उसका भी अनाउंसमेंट आएगा, टेंशन ना लो। क्या बोला गया है बेटे? तो जब भी कोई मटेरियल इंफॉर्मेशन में चेंज होता है, क्या चेंज होता है? सो व्हाट इज मटेरियल इंफॉर्मेशन? चेंज इन मटेरियल इंफॉर्मेशन। कौन सा वाला बेटा आपका? चेंज इन मटेरियल इंफॉर्मेशन। सर व्हाट इज चेंज इन मटेरियल इंफॉर्मेशन? क्या होता है, मेरी बात समझना। मटेरियल इंफॉर्मेशन में चेंज है मतलब क्या? तो आपने नया चार्ज क्रिएट कर दिया। चार्ज मतलब क्या? गिरवी रखना। कंपनी ने नया प्रॉपर्टी गिरवी रखी, उसके ऊपर क्या क्रिएट किया? चार्ज क्रिएट किया। दूसरा दोस्तों बेटा, अनलिस्टेड कंपनी क्या सेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती है क्या? नॉर्मली आंसर इज नो। ऐसा रिस्ट्रिक्टेड तो नहीं है बट आंसर इज नो। दूसरा बोला है चेंज इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। चेंज इन व्हाट बेटा आपका? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। इंस्टीट्यूशन बोल रहा हूं, किसमें चेंज हुआ है आपका? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में आपका चेंज हुआ है, आपके प्रॉफिट में, आपके लॉस में चेंज हुआ है। अरे हाँ है ना, ठीक है। क्या चेंज हुआ है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में चेंज हुआ है। या तीसरा लेट से आपके गवर्नमेंट पॉलिसी में चेंज हुआ है। किसमें चेंज हुआ है? गवर्नमेंट पॉलिसी में चेंज हुआ है, या कंपनी के मैनेजमेंट में चेंज हुआ है। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मटेरियल चेंज। ये क्या है बेटा आपका? एग्जाम्पल है। किसके एग्जाम्पल है दीप्ति बेटा? मटेरियल चेंज के। तो जब भी आपका मटेरियल चेंज होगा, जब भी आपका क्या चेंज होगा बेटा? मटेरियल चेंज होगा, आपको एक डॉक्यूमेंट देना पड़ता है जिसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। क्या देना पड़ेगा बोलो? इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, जिसका फॉर्म है पास टू। जिसका फॉर्म नंबर क्या है? पास टू। और ये आपको फाइल करना पड़ेगा किसको? आरओसी को। कितने दिन पहले? एटलीस्ट 1 मंथ प्रायर टू ओपनिंग ऑफ सेकेंड और सब्सिक्वेंट इशू। सेकेंड और व्हाट बेटा आपका? सब्सिक्वेंट इशू। बड़ी बड़ी है, बड़ी बताइए किसकी बात हो रही है? शेल प्रोस्पेक्टस की बात हो रही है, बोलो ना किसकी बात हो रही है? व्हाट इज शेल प्रोस्पेक्टस? सिंगल प्रोस्पेक्टस फॉर व्हाट? मल्टीपल इशू। व्हाट इज सेल प्रोस्पेक्टस? टेल मी। सिंगल प्रोस्पेक्टस फॉर मल्टीपल इशू। ये प्रोस्पेक्टस कौन इशू करता है? बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और द कंपनी स्पेसिफाइड बाय सेबी। कौन सी कंपनी? स्पेसिफाइड बाय सेबी, करेक्ट है। तो इसमें उसकी वैलिडिटी कितनी होगी बेटा? वैलिडिटी कितनी होगी? एक साल। एक साल कहां से? 1 ईयर कहां से? फ्रॉम इशू ऑफ फर्स्ट ऑफर। पहला ऑफर जब ओपन होगा वहां से कितने साल? पहला ऑफर जब भी ओपन होगा वहां से कितने साल बेटा? एक साल। क्या उस एक साल में आपको नया प्रोस्पेक्टस देने की आवश्यकता है? आंसर इज नो, नया प्रोस्पेक्टस देने की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है सर, लेकिन जब भी हम फर्स्ट और सेकेंड इश्यू लेके आ रहे हैं, अगर मटेरियल इंफॉर्मेशन में चेंज हुआ, किसमें चेंज हुआ? व्हाट इज मटेरियल इंफॉर्मेशन? मटेरियल इंफॉर्मेशन के एग्जाम्पल बताओ। जैसे चेंज, क्या चेंज इन चार्जेस? आपने क्या करा है? चार्ज क्रिएट किया है। दूसरा क्या एग्जाम्पल दिया है? चेंज इन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तीसरा क्या दिया है? चेंज इन व्हाट? गवर्नमेंट पॉलिसी। चौथा क्या दिया है आपका? मैनेजमेंट। चेंज इन व्हाट बेटा आपका? मैनेजमेंट। तो अगर इसमें कुछ चेंज हो रहा है, इसको हम बोलते हैं कि भैया आपने क्या करा है? आपने क्या करा है? मटेरियल इंफॉर्मेशन में चेंज हुआ है। तो जब भी मटेरियल इंफॉर्मेशन में चेंज होगा, आपको क्या फाइल करना पड़ेगा? आईएम। आईएम मतलब क्या? इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। आईएम मतलब क्या बेटा? उसका फॉर्म कौन सा है? किसको फाइल करना पड़ेगा? कितने दिन पहले फाइल करना पड़ेगा? 1 मंथ प्रायर टू ओपनिंग ऑफ सेकेंड और सब्सिक्वेंट इश्यू। ओपनिंग ऑफ व्हाट बेटा आपका? सेकेंड और सब्सिक्वेंट इश्यू। अच्छा सर, ये जब इंफॉर्मेशन में चेंज हुआ, देर आर फ्यू शेयर होल्डर जिन्होंने सबके पैसे दे दिए थे। चार इशू आने वाले थे, चारों के इशू एडवांस में, पैसे एडवांस में दे दिए थे, तो क्या अब वो रिफंड मांग सकते हैं? अब वो अपना क्या देंगे? रिफंड एप्लीकेशन। बोले हमने पैसा दिया तो आप में बहुत अच्छा प्रॉफिट था, अब तो आपका प्रॉफिट ही चेंज हो गया, आप तो लॉस में आ गए, हमको नहीं खेलना आपके साथ, हम तो जा रहे हैं भैया। तो वो क्या कर सकता है? ओ ऋषि कहां जा रहा है बेटे? किसका कॉल आया तेरे को?
तेरा कॉलेज है, ठीक है। रिफंड का एप्लीकेशन, किसका एप्लीकेशन दे देगा? रिफंड का। और जैसे ही उन्होंने रिफंड का एप्लीकेशन दिया, उसके 15 दिन के अंदर क्या करना पड़ेगा? रिफंड। कितने दिन के अंदर रिफंड करना पड़ेगा? 15 दिन। और जो 15 दिन में नहीं कर पाए तो 15% का क्या लग जाएगा? इंटरेस्ट। 15 दिन में नहीं कर पाए तो 15% का क्या लग जाएगा बेटा? इंटरेस्ट। तो देखेंगे देखेंगे बड़ी, क्या बोला गया है? वन और मोर इशू किसके लिए है? वन और मोर इश्यू ओवर अ सर्टेन पीरियड विदाउट इश्यू ऑफ फर्दर प्रोस्पेक्टस। इसी को हम बोल सकते हैं ये सिंगल प्रोस्पेक्टस है फॉर मल्टीपल इश्यू। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। इसकी वैलिडिटी कितनी है? नॉट एक्सीडिंग वन ईयर। ठीक है, कितना एक्सीडिंग, कितना वैलिडिटी उसका? वन ईयर। और ये एक साल कहां से चालू होगा? डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ फर्स्ट ऑफर। अच्छा, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन में चेंज हुआ, क्या हुआ? कोई भी इंफॉर्मेशन में चेंज हुआ तो क्या फाइल करना पड़ेगा आपको? इंफॉर्मेशन में चेंज मतलब क्या? न्यू चार्जेस क्रिएटेड, चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन, सच अदर चेंजेस, तो वन मंथ प्रायर टू इश्यू ऑफ सेकेंड और सब्सिक्वेंट ऑफर क्या फाइल करना पड़ेगा? इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। उसका फॉर्म नंबर कौन सा है? पास टू। फॉर्म नंबर कौन सा बेटा? पास टू। और अगर वो है तो उनको क्या करना पड़ेगा? रिफंड करना पड़ेगा। कितने दिन के अंदर? 15 दिन के अंदर। और 15 दिन में रिफंड नहीं किया तो क्या लग जाएगा? करेक्ट है। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला इलस्ट्रेशन देखो बेटा। एक्स वाई जेड लिमिटेड इंटेंस टू रेज शेयर कैपिटल बाय इशूइंग इक्विटी शेयर इन डिफरेंट स्टेजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। However, company does not issue to issue prospectus each and every time. क्या आंसर आएगा इनको? क्या बोलेंगे? क्या इशू कर भाई? रिपीटेड नहीं करना है तो क्या इशू कर? सेल प्रोस्पेक्टस। तीसरा टाइप है एब्रीज प्रोस्पेक्टस, जिसका सेक्शन है 33 और डेफिनेशन दिया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 में। सेक्शन कौन सा है इसका? 33। एब्रीज प्रोस्पेक्टस का मतलब होता है बेटे, वट इज एब्रीज प्रोस्पेक्टस? एब्रीज प्रोस्पेक्टस का मतलब होता है छोटू। एब्रीज का मतलब क्या होता है? छोटू, ठीक है ना। एवरेज प्रोस्पेक्टस का मतलब होता है छोटू। कौन होता है बेटा इसका? छोटू। एक बात बताओ, आप सारे लोगों को इतना बड़ा मोटा मोटा प्रोस्पेक्टस इशू करोगे तो प्रिंटिंग में इतना खर्चा निकल जाएगा आपका। तो क्या बोला जाता है कि भैया एक काम करो, आप सब भेजने की जरूरत नहीं है। जैसे आपके एग्जाम चल रहे हैं लेकिन वर्ल्ड कप देखना भी जरूरी है, तो पूरा मैच देखोगे या हाईलाइट देखोगे? किसने पूरा मैच बोला रे? हाँ, किसने बोला रे पूरा मैच बेटा? जरा मेरे को मीटिंग करनी है तुम्हारे साथ बाबू। हाँ, क्या देखोगे? हाईलाइट। क्या देखोगे बेटा? हाईलाइट देखोगे, करेक्ट है। तो वैसे ही दोस्तों, जब भी आपको प्रोस्पेक्टस देना है तो पूरा प्रोस्पेक्टस दोगे या हाईलाइट दे दोगे? उसको बोलते हैं एब्रीज प्रोस्पेक्टस। कौन सा प्रोस्पेक्टस बेटे? एब्रीज प्रोस्पेक्टस। सो एब्रीज सेल्फ का सेक्शन कौन सा था? सेल्फ का 31 था बेटा। एब्रीज प्रोस्पेक्टस मीन्स अ मेमोरेंडम कंटेनिंग सच साइलेंट फीचर। एग्जाम में यही आना चाहिए। क्या वर्ड आना चाहिए? साइलेंट फीचर। क्या आना चाहिए? साइलेंट फीचर ऑफ प्रोस्पेक्टस। इट कंटेन्स सच साइलेंट फीचर ऑफ, मतलब प्रोस्पेक्टस जैसा ही है। इसको हम बोल सकते हैं इट इज अ समराइज वर्जन। ये क्या है बेटा आपका? समराइज वर्जन है। ओके, अब यहां पर क्या बोला गया है कि जितना भी आपका एप्लीकेशन जाएगी, एप्लीकेशन फॉर्म के साथ हम क्या इशू करते हैं? एवरेज प्रोस्पेक्टस। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ क्या इशू करते हैं? एवरेज प्रोस्पेक्टस। समझना अच्छे से, कॉन्सेंट्रेट करके जरा ध्यान से बाबू। क्या बोला क्या गया है? कौन सा प्रोस्पेक्टस है बोलो ना, कौन सा प्रोस्पेक्टस है? एवरेज प्रोस्पेक्टस। व्हाट इज एवरेज प्रोस्पेक्टस? बड़ा है कि छोटा है? हाँ, छोटा है। दिस इज अ छोटू बड़ी। इसमें पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होगी, इसमें पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होगी, इसमें समराइज इंफॉर्मेशन होगी। कौन सी इंफॉर्मेशन होगी? समराइज इंफॉर्मेशन होगी। आपको सारी इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है। कौन सी इंफॉर्मेशन देनी है आपको? समराइज इंफॉर्मेशन आपको देनी है बेटा, ठीक है ना। हर एप्लीकेशन फॉर्म, क्या बोला गया है? एवरी एप्लीकेशन फॉर्म, जितना भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, शैल बी अकम्प्लाइड बाय। बंद है बेटा, बंद है, क्या चालू है? हाँ सर, आज आईसीएसआई के प्रेसिडेंट सर, आरएचडी हाईलाइट वाला कब फाइल करना है? प्रोस्पेक्टस जब फाइल करोगे बेटा, डेज नहीं है उसमें प्रतीक।
सर आज आईसीआईसी के प्रेसिडेंट के साथ वेबिनार है 3 बजे। हाँ बेटा 3 बजे छोड़ दूंगा, डोंट वरी। हाँ बड़ी हाँ, तो क्या बोला है, जो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, कौन सा फॉर्म बड़ी, एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको क्या देना पड़ेगा, एब्रीज प्रोस्पेक्टस। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ क्या देना पड़ेगा आपको, एब्रीज प्रोस्पेक्टस, ठीक है। हाँ ओके, लेकिन अच्छा इसमें एक्सेप्शन है कि एवरेज प्रोस्पेक्टस तीन लोगों को, चार लोगों को नहीं देना है, है ना। चार लोग कौन से हैं जिनको देने की जरूरत नहीं है, एक है अंडरवेयर, सॉरी एक कौन है बेटा आपका, अंडरराइटर। अंडरराइटर को एवरेज प्रोस्पेक्टस देने की जरूरत नहीं है, अंडरराइटर को एवरेज प्रोस्पेक्टस देने की जरूरत नहीं है। दूसरा है आपका प्राइवेट ऑफर। दूसरा क्या है यार, प्राइवेट ऑफर में प्रोस्पेक्टस देने की आवश्यकता है क्या? प्राइवेट ऑफ प्रोस्पेक्टस तो तब इशू करते हैं जब पब्लिक एट लार्ज को देते हैं हम शेयर्स, तो प्राइवेट ऑफर में एवरेज प्रोस्पेक्टस देने की जरूरत नहीं है। तीसरा, जब भी कंपनी क्या लेके आ रही है, तीसरा कंपनी क्या लेके आ रही है, राइट इशू। तीसरा क्या ले रही है कंपनी, तो राइट इशू के टाइम पे भी, राइट इशू के टाइम पे भी दोस्तों प्रोस्पेक्टस, एवरेज प्रोस्पेक्टस देने की जरूरत नहीं है। ये तीन तो समझ जाते हैं यार, चौथा नहीं समझ आता यार, फोर्थ वाला नहीं समझ में आता है। सर अंडरराइटर कौन होता है, हु इज अंडरराइटर बड़ी, हाँ सर एवरेज प्रोस्पेक्टस कब इशू करते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म के साथ पब्लिक को, जैसे कॉलेज में प्रोस्पेक्टस मिलता है आपको वो बुक, उसमें फॉर्म रहता है, वैसे एवरेज प्रोस्पेक्टस के साथ आपका फॉर्म रहेगा। हाँ नेक्स्ट पॉइंट बोला गया फोर्थ वाला, कि जब भी कंपनी इश्यू लेके आ रही है ऑफ यूनिफॉर्म शेयर्स, इसको समझना, इश्यू लेके आ रही है किसको, यूनिफॉर्म शेयर्स। अब यूनिफॉर्म शेयर्स मतलब क्या समझना, अर्लियर पहले ना, फल पहले कंपनी ने क्या लाया था, इश्यू लाया था इक्विटी शेयर का इश्यू लाया था, फर्स्ट टाइम इश्यू ला चुके हैं। अच्छा इसको इस तरीके से समझिए, पहले मैंने आपको क्या किया, सपोज मैंने पलक को, पालक पनीर को है ना, मैंने पलक को मैंने ओरियो बिस्किट का पैकेट दे दिया, ओरियो का पैकेट दे दिया। दूसरे बार मैंने इसको पार्ले जी का पैकेट दिया, क्या सेम पैकेट है, यूनिफॉर्म है कि अलग है, सेम क्लास और डिफरेंट क्लास, डिफरेंट क्लास, सेम क्लास हो गया, ओरियो और पार्ले जी सेम है क्या बे, डिफरेंट क्लास है ना, बिस्किट ओके। पहली बार मैंने इसको ओरियो दिया, दूसरी बार भी मैंने उसको ओरियो बिस्किट ही दिया, तो यूनिफॉर्म, ये सेम है, ये क्या है आपका, सेम है। वैसे ही दोस्तों जब आप सेम काइंड ऑफ सिक्योरिटी इशू कर रहे हो, क्या इशू कर रहे हो, मतलब पहले ऑलरेडी उस टाइप के शेयर्स आप ऑलरेडी इशू, जैसे आपने इक्विटी शेयर्स पहले भी इशू करके रखा है और अब आप सेकेंड टाइम इशू कर रहे हो, तो उसमें आपको एवरेज प्रोस्पेक्टस देने की जरूरत है। मतलब मैं बोल सकता हूं ये एफपीओ है, एफपीओ मतलब क्या सर, अप्लाई तो तभी करेंगे ना जब प्रोस्पेक्टस पहले देख चुके होंगे, फिर एवरेज क्यों, प्रोस्पेक्टस नहीं देते हैं बेटा हम, इसीलिए तो हम एवरेज भेजते हैं सबको पूरा, इसीलिए तो अमीर बोला, वही तो बोला गया है प्रोस्पेक्टस नहीं भेजना है, इसीलिए तो एवरेज प्रोस्पेक्टस भेजते हैं। इसमें समरी होगी प्रोस्पेक्टस की, डिटेल नहीं होगा, समरी होगी, ठीक है। सो क्या बोला गया बेटा बताइए, यूनिफॉर्म शेयर्स, कौन सा बेटा आपका, यूनिफॉर्म इश्यू ऑफ यूनिफॉर्म शेयर्स, क्या बेटा आपका, इश्यू ऑफ यूनिफॉर्म शेयर्स, ठीक है। तो यूनिफॉर्म शेयर्स के केस में आपको ये देने की जरूरत नहीं है। अच्छा ये चार पॉइंट हो सकता है आपके मॉड्यूल में नहीं दिया है, ठीक है ना, बट फिर भी हमें करना है, मॉड्यूल में नहीं दिया फिर भी हमें करना है, मैंने लिखवा के दिया है इसके हैंडरिटन नोट्स, जो मेरे से नहीं पढ़े हुए डोंट वरी, इसके हैंडरिटन नोट्स आने वाले 2-4 दिन में वेबसाइट पे अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन और इंपॉर्टेंट है ऑफर फॉर सेल या डीम्ड प्रोस्पेक्टस, वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा प्रोस्पेक्टस, डीम्ड प्रोस्पेक्टस। अब डीम्ड प्रोस्पेक्टस क्या होता है देखना बेटा, माधव इधर आना बाबू, आजा इधर आजा, फोन यूज कर रहा है, नॉन सेंस आदमी। हाँ जी, किरदार को समझिए, किरदार को समझिए बेटा। अंडरराइटर वो होता है दोस्तों, जैसे कंपनी ने 100 शेयर बेचे लेकिन कंपनी के 80 बेचे हैं बेटा, 80 बेचे हैं, तो बाकी के 10 शेयर मतलब कम से कम 90 तो खरीदने ही चाहिए, 90% इज अ मिनिमम सब्सक्रिप्शन, तो जो शेयर्स पब्लिक नहीं खरीदती है उसको कौन खरीद लेता है, अंडरराइटर। ओके समझना, किरदार को समझना बड़ी,
कंपनी कौन है? एवरीबॉडी कौन है? बीच वाला, नॉट इन दैट सेंस, इंटरमीडियरी. शर्माता क्या है बे? कौन है इंटर? शट अप, ज्यादा नीचे नहीं. हाँ, सो कौन है? इंटरमीडियरी. कौन है बड़ी? ये इंटरमीडियरी. तीसरा है पब्लिक. कौन है बेटा? पब्लिक. हाँ, बीच वाला और ये इंटरमीडिएट, और ये कौन? यार हुआ यूं, मैंने शेयर्स दिए. मैंने क्या दिए भैया? शेयर्स दिए. मोदी से थोड़े मोटे हो गए वे. ठीक है, मैंने क्या दिए? शेयर्स दिए. किसको? इंटरमीडिएट को. चुप रहा, बीच मैं दूंगा तब लेना ना, पहले लेना तेरे को, मैं देता हूं, रुक जा. हाँ, अरे शेयर्स. हाँ, क्या हुआ? कंपनी ने क्या दिए बीच वाले को? मतलब अरे रुक, मैं दूंगा बोला, तू बीच बीच में मतलब रुक जा. इंटरमीडियरी को शेयर्स दिए. किसको? पकड़ अभी. किसको शेयर्स दिए हैं? इंटरमीडियरी को. खोल के मत देख बेटा. हाँ, मोदी से शर्मा जाएंगे. और इस इंटरमीडियरी को मैंने क्या बोला उसको? क्या बोला? क्या बोला? और इसने ये शेयर्स मेरे बिहाफ पे किसको बेच दिए? पब्लिक को. जब पब्लिक को बेचे थे, पब्लिक को बेचा तो लोगों ने बोला, अरे ये तो प्रोस्पेक्टस है, ये तो क्या है. हाँ है ना? लेकिन इन्होंने बोला, प्रोस्पेक्टस कहां से हुआ भाई? नहीं हुआ प्रोस्पेक्टस, क्योंकि शेयर्स कौन बेच रहा है? इंटरमीडिएट. लेकिन क्या मेरे बिहाफ पे बेच रहा है ना? तो ध्यान से सुनना, मैंने शेयर्स इंटरमीडियरी को दिए और इंटरमीडियरी शेयर्स किसको बेच रहा है? पब्लिक को. तो जब ये शेयर्स बेचेगा, क्या पहले कोई ना कोई डॉक्यूमेंट तेरे को देना पड़ेगा ना पब्लिक को? उस डॉक्यूमेंट को हम बोलेंगे डीम्ड प्रोस्पेक्टस. क्या बोलेंगे? डीम्ड प्रोस्पेक्टस इश्यूड बाय कंपनी और ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी. ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी. डीम्ड प्रोस्पेक्टस कौन देता है? कंपनी देती है या कंपनी के बिहाफ पे आता है? बैठ जाइए भैया. कंपनी देती है, कंपनी के बिहाफ पे आता है. कंपनी के बिहाफ, इसको समझिए. एक चीज, एक कंसेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं ऑफर फॉर सेल. क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? बोलो ना, ढोक लो. ऑफर फॉर सेल. ऑफर फॉर सेल क्या होता है समझना? ऑफर फॉर सेल मतलब ऐसा होता है, जैसे LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में क्या हुआ? अभी LIC का IPO आया था, उसमें क्या हुआ पता है? गवर्नमेंट ने किसने 3.something% शेयर्स किसको बेचे? पब्लिक को. तो मुझे बताओ, LIC ने नए शेयर्स बेचे हैं या अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से शेयर्स लेके पब्लिक को बेचे? तो जब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के शेयर्स पब्लिक को बेचे जाते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑफर फॉर सेल. क्या बोलते हैं बेटा उसको? ऑफर फॉर सेल. सो व्हाट इज ऑफर फॉर सेल? हाँ, व्हाट इज ऑफर फॉर सेल बोलो. जब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, कौन सा शेयर होल्डर? कौन सा शेयर होल्डर बोलो ना? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर किसको शेयर्स दे रहे हैं? पब्लिक एट लार्ज को. कंपनी, ये कंपनी, कंपनी किसको बेचेगी? पब्लिक एट लार्ज को एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के शेयर्स. उसको हम बोलते हैं ऑफर फॉर सेल. क्या बोलते हैं उसको? ऑफर फॉर सेल. क्या बोलेंगे उसको? बोलो ना, ऑफर फॉर सेल. ठीक है सर. अब यहां पर हुआ यही है बेटा, प्लीज कॉन्सेंट्रेट करना, यहां पे यही हुआ है. सो अगर मैं बात करूं बड़ी डीम प्रोस्पेक्टस की, व्हाट इज डीम प्रोस्पेक्टस? डीम्ड का मतलब है, लो मान लिया मैंने कि तुम भी कौन हो हमारे? प्रोस्पेक्टस. लो मान लिया मैंने कि तुम भी हमारे कौन हो? प्रोस्पेक्टस. ठीक है, मान लिया हमने कि आप भी कौन हो हमारे? प्रोस्पेक्टस हो. ये कब होगा? ध्यान से सुनना. कंपनी ने शेयर्स इशू किए इशू हाउस को. किसको इशू किए? इशू हाउस मतलब इंटरमीडियरी. इशू हाउस मतलब कौन? इशू हाउस मतलब कौन? ढोकलो बोलो ना. और इंटरमीडियरी ने ये शेयर्स किसको बेच दिए? तो इंटरमीडियरी है, जब ये शेयर्स पब्लिक को बेचेगी तो जो डॉक्यूमेंट इशू करेगी, क्या बिना डॉक्यूमेंट? कुछ ना कुछ तो डॉक्यूमेंट देंगे ना कि पब्लिक को हम शेयर्स बेच रहे हैं, उसकी इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट. उस डॉक्यूमेंट को हम बोलते हैं क्या? डीम प्रोस्पेक्टस. किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? कंपनी के पॉइंट, क्योंकि हम मानेंगे कंपनी ने ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के शेयर्स किसको बेचे हैं? पब्लिक को. तो ये ऑफर फॉर सेल है, और जो डॉक्यूमेंट इशू हुआ है उसको क्या बोलेंगे? डीम प्रोस्पेक्टस. तो हुआ क्या है देखना, यहां पे कौन है? कंपनी. यहां पे कौन है बेटा?
कंपनी ने शेयर्स किसको दिए? मर्चेंट बैंकर या कौन? इंटरमीडियरी, या उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इशू हाउस। कंपनी ने इनको शेयर्स दे दिए, ठीक है। फिर ये शेयर्स जो है, ये लोग क्या करेंगे? ये शेयर्स जो है वो किसको बेच दिया गया? किसको बेच दिया गया? तो इन्होंने अपने शेयर्स पब्लिक को बेचे, तो कोई ना कोई क्या इशू किया होगा? डॉक्यूमेंट। उस डॉक्यूमेंट को हम क्या बोलते हैं? किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? हम ऐसा मानेंगे कि ये शेयर्स कंपनी के बिहाफ पे आपने किसको दिए हैं? पब्लिक को। इसीलिए हम इसको मानेंगे डीम्ड प्रोस्पेक्टस। क्या मानेंगे बेटे? हाँ या ना? ठीक है ना, डीम प्रोस्पेक्टस। तो पहले बताओ, डीम प्रोस्पेक्टस इश्यू कौन कर रहा है? कंपनी या कंपनी के बिहाफ पे? कंपनी के बिहाफ पे। अच्छा, इसमें दो चीजें हैं, दो कंडीशन है। कितनी कंडीशन है? दो कंडीशन। ऑफर फॉर सेल, डीम प्रोस्पेक्टस सेम है। अब दो कंडीशन नंबर ये है। कंडीशन नंबर वन, देखो, कंपनी जब इसको मर्चेंट बैंकर को देती है ना, इसको बोलते हैं अलॉटमेंट। इसको क्या बोलते हैं? अलॉटमेंट। और जब मर्चेंट बैंकर पब्लिक को देता है, उसको बोलते हैं ऑफर फॉर सेल। क्या बोलते हैं उसको? वापस से सुनना, कौन किसको, कौन किसको, कौन किसको? एवरीबॉडी। कंपनी ने शेयर्स किसको दिए? मर्चेंट बैंकर। इसको क्या बोलते हैं? अलॉटमेंट। और मर्चेंट बैंकर पब्लिक को दे रहा है या इंटरमीडियरी पब्लिक को दे रहा है, इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? ऑफर फॉर सेल। हाँ, यस और नो? ठीक है सर। अब इस सिचुएशन में क्या बोला गया है बेटा, बात समझना, कि जिस दिन कंपनी ने मर्चेंट बैंकर को शेयर्स दिया, मर्चेंट बैंकर ने वो शेयर्स पब्लिक को कितने महीने में बेचना है? अगर वो 6 महीने के अंदर अंदर बेच रहा है, तो ही क्या मानेंगे? डीम्ड प्रोस्पेक्टस। तो ही क्या मानेंगे? डीम्ड प्रोस्पेक्ट। अदरवाइज प्रोस्पेक्टस मानना नहीं है। कितने दिन के अंदर आएगा पहले ये बताओ? आपने क्या किया? अलॉटमेंट। और मर्चेंट बैंकर ने क्या किया? ऑफर फॉर सेल। तो ऑफर फॉर सेल कितने दिन के अंदर आना चाहिए? 6 महीने। 6 महीने कहां से? अलॉटमेंट से। मतलब जिस दिन मर्चेंट बैंकर को मिला, कंपनी ने मर्चेंट बैंकर को दिया ना, मर्चेंट बैंकर ने पब्लिक को कितने महीने में दे दिया? विद इन 6 मंथ्स। विद इन व्हाट बेटा? आपका 6 मंथ। गॉट द पॉइंट? गॉट द पॉइंट? यस और नो? पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, और बोला है। क्या बोला है? और। सेकंड कंडीशन में क्या बोला है? और। या तो 6 महीने के अंदर दिया आपने, दूसरा क्या बोला है? या फिर दूसरा बोला है कि हुआ यूं है, कंपनी ने जब शेयर्स मर्चेंट बैंकर को दिए, और मर्चेंट बैंकर जब शेयर्स किसको दे रहा है? पब्लिक को। तो मर्चेंट बैंकर जब शेयर्स पब्लिक को दे रहा ना, एट दैट टाइम मर्चेंट बैंकर ने कंपनी को फुल पैसा दिया नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? फुल पैसा नहीं दिया मतलब क्या हुआ? फुल पैसा नहीं दिया मतलब क्या हुआ? कंपनी ने शेयर मर्चेंट बैंकर को दिए, मर्चेंट बैंकर ने पूरा पैसा दिया ही नहीं। फिर मर्चेंट बैंकर शेयर्स किसको बेच रहा है? पब्लिक को। अब किसके जेब से पैसा निकला? पब्लिक से। पब्लिक से किसके पास आया? और मर्चेंट बैंकर किसको दे दे रहा है? इसका मतलब ही कंपनी ने क्या करा है? तू उसको दिया है, गपचुप में तू रख, तेरे पास थोड़ा सा पैसा दे दे, बाकी का पैसा बाद में देना। इंटेंशन ये था पब्लिक को बेचना। इंटेंशन क्या था? पब्लिक को। यस और नो? अरे यस और नो? तो पहली कंडीशन क्या थी? फर्स्ट वन, ऑफर फॉर सेल कितने दिन के अंदर आना चाहिए? 6 मंथ्स। कहां से? 6 मंथ्स कहां से? अलॉटमेंट। दूसरी और है, एंड है या और है? दोनों के बीच में एंड है या और है? एंड नहीं है, और है ना? एंड नहीं है, क्या है? और है। और दूसरा कंडीशन क्या है बेटा? सेकंड कंडीशन ये है कि होल कंसिडरेशन, होल मतलब पूरा, होल मतलब पूरा, होल कंसिडरेशन हैड नॉट रिसीव्ड। कंपनी को पूरा पैसा मिला नहीं है। कब? एट द टाइम ऑफ ऑफर ऑफ सेल। एट द टाइम ऑफ ऑफ बेटा आपका ऑफर फॉर सेल। एट द टाइम ऑफ ऑफर फॉर सेल मतलब समझा, कौन किसको दे रहा था? कंपनी किसको दिया? मर्चेंट बैंकर। इसको क्या बोलते हैं? अलॉटमेंट। और मर्चेंट बैंकर किसको दे रहा है? पब्लिक को। इसको क्या बोलते हैं? ऑफर फॉर सेल। तो जिस दिन ऑफर फॉर सेल हुआ, उस दिन कंपनी के पास पूरा पैसा आया नहीं है। इसका ही लॉजिक क्या था? इसका लॉजिक क्या था? पब्लिक से पैसा निकाला और किसको दिया? कंपनी को। और दोनों में एंड है या और है? सो देखो, पहला कंडीशन, ठीक है, ये तो ठीक है।
अच्छा इन्होंने कहाँ दिया ऑफर फॉर सेल, यस ऑफर फॉर, ये रहा देखो पहला कंडीशन क्या है, ऑफर फॉर सेल शैल बी मेड कितने दिन के अंदर, 6 months आफ्टर दी अलॉटमेंट और एट द डेट व्हेन द ऑफर वाज मेड द होल कंसिडरेशन टू बी रिसीव्ड बाय द कंपनी इन रिस्पेक्ट हैड नॉट रिसीव्ड, पूरा पैसा मिला नहीं है, पूरा पैसा मिला नहीं है, डन डरा डन डरा। अच्छा अभी कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो आपको डिस्क्लोज करनी पड़ती है ऑफर डॉक्यूमेंट में, कौन सी इंफॉर्मेशन है, एडिशनल इंफॉर्मेशन जो कहां डिस्क्लोज करनी है बेटा, सर सेकंड नहीं समझा, सेकंड वापस समझना, यहां कंपनी है, फिर से शॉर्ट में वापस समझा रहा हूं सुनना बेटा, सेकंड सुनना वापस से बाबू, प्रोफेसर कंपनी ने शेयर्स किसको दिए थे, इशू हाउस या मर्चेंट बैंकर को, और इसने किसको दिए, तो जब ये आ रहा है ऑफर फॉर सेल आ रहा है उस दिन कंपनी को शेयर्स के पूरे पैसे मिले नहीं है, दोनों में एंड है या और है, तो दोनों कोई भी कंडीशन फुलफिल अगर हो गई तो उसको क्या माना जाएगा, ऑफर फॉर सेल या डीम प्रोस्पेक्टस माना जाएगा। अब एडिशनल कंडीशन क्या है दोस्तों सुनना, एडिशनल कंडीशन ये है कि डीम प्रोस्पेक्टस में आपको और क्या क्या डिस्क्लोजर देना है, सबसे पहला डिस्क्लोजर देना है, पहला पॉइंट लिखना है कि नेट कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय द कंपनी, जब डीम प्रोस्पेक्टस इश्यू हो रहा है कंपनी के पास नेट पैसा कितना आ चुका है, कंपनी के पास क्या आ चुका है, नेट पैसा, नेट कंसिडरेशन रिसीव्ड। दूसरा लिखना है प्लेस एंड टाइम, क्या बताना है आपको, जहां पे उस कॉन्ट्रैक्ट को आप इंस्पेक्ट कर सकते हो, उस कॉन्ट्रैक्ट को आप क्या कर सकते हो, प्लेस एंड टाइम बताना है, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट जो कंपनी और इश्यू हाउस के बीच में हुआ है कि भाई तू मेरे बिहाफ पे शेयर्स देना, उस कॉन्ट्रैक्ट को हम कहां इश्यू कहां देख सकते हैं, उसका प्लेस देना है, और दूसरा क्या देना है, टाइम। तीसरा अगर इश्यू हाउस जो है ना, कौन बेटा आपका इश्यू हाउस, अगर इश्यू हाउस कंपनी है तो डीम प्रोस्पेक्टस शैल बी साइन बाय कितने डायरेक्टर, साइन बाय द डायरेक्टर ऑफ व्हाट बेटा आपका इश्यू हाउस, क्या करेंगे बेटा कंपनी, अगर इश्यू हाउस कंपनी है तो उसके डायरेक्टर इश्यू कर डायरेक्टर साइन करेंगे, एटलीस्ट दो डायरेक्टर साइन करेंगे, और अगर इश्यू हाउस पार्टनरशिप फर्म है, इश्यू हाउस कौन है, तो एटलीस्ट वन हाफ पार्टनर, आधे पार्टनर उसको साइन करेंगे, कितने साइन करेंगे, आधे पार्टनर उसको साइन, किस पे साइन करेंगे, साइनिंग किस पे, डीम प्रोस्पेक्टस, सुनो मेरी बात, डीम प्रोस्पेक्टस है ठीक है, डीम प्रोस्पेक्टस में क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी है, पहला नेट कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय दी कंपनी, नेट कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय दी कंपनी, पहली इंफॉर्मेशन कौन सी है बताओ, नेट कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय दी, सर प्रोस्पेक्टस लिस्टेड और प्रपोज टू बी लिस्टेड कंपनी इशू करती है ना, अनलिस्टेड कंपनी नहीं कर सकती, ऑब्वियस बात है अनलिस्टेड करेगी तो ही वो जाके लिस्टेड होगी, तो उसको प्रपोज टू बी लिस्टेड ही बोलते हैं, पहला नेट कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय दी कंपनी, दूसरा और क्या आएगा डीम प्रोस्पेक्टस में, क्या बताना पड़ेगा आपको, प्लेस एंड टाइम, जहां पे उस कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या कर सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं, और तीसरा बड़ी इस डीम प्रोस्पेक्टस पे साइन कौन करेगा, अगर ये कंपनी है तो दो डायरेक्टर, और अगर ये फर्म है तो आधे पार्टनर, सर नेट हाँ आधे पार्टनर ठीक है, इसके ऊपर एक केस स्टडी आता है जी। अच्छा एक लास्ट इस पॉइंट पढ़ लो, मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस, क्या है बेटा मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस, मिस स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है बड़ी, मिस स्टेटमेंट मतलब कुछ तो आपने छुपाया है, कोई इंफॉर्मेशन आपने छुपाया है, या इंफॉर्मेशन गलत बताया है, या तो इंफॉर्मेशन आपने क्या किया है छुपाया है, या तो इंफॉर्मेशन आपने गलत बताया है, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आपने छुपाई है या कोई भी इंफॉर्मेशन आपने गलत बताई है तो आपको क्या लग सकती है, सिविल एज वेल एज क्रिमिनल लाइबिलिटी। प्रोस्पेक्टस में अगर कुछ भी मिस स्टेटमेंट है ना, कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपने छुपा दी है या कुछ आपने बताया नहीं है, तो आपको क्या लग जाएगा पेनल्टी। अब लाइबिलिटी दो, एक तो सिविल होगी और दूसरी क्रिमिनल होगी, एक कौन सी लाइबिलिटी होगी, सिविल। सिविल मतलब क्या, आपने इंफॉर्मेशन, लास्ट पॉइंट है ध्यान से सुनना, फिर एक दो केस स्टडी करेंगे और छोड़ दूंगा, ध्यान से सुनो है ना, क्या किया आपने प्रोस्पेक्टस में, क्या दिया आपने मिस स्टेटमेंट, मिस स्टेटमेंट मतलब कोई इंफॉर्मेशन गलत बताई है, कोई इंफॉर्मेशन कैसे बताई है, गलत बताई है, या कोई इंफॉर्मेशन मटेरियल इंफॉर्मेशन को छुपाया है, कोई मटेरियल इंफॉर्मेशन को छुपाया है, तो सिविल लाइबिलिटी यह है जितने भी शेयर होल्डर का नुकसान हुआ है उसको क्या देना पड़ेगा आपको,
कॉम्पेंसेशन, जितने भी शेयर होल्डर का नुकसान हुआ उसको क्या देना पड़ेगा, कॉम्पेंसेशन। और क्रिमिनल लाइबिलिटी में दो चीजें आएगी, क्रिमिनल लाइबिलिटी में कितनी चीजें आएगी, दो, आपको जेल हो सकती है, इम्प्रिजनमेंट हो सकता है अप टू मिनिमम 6 मंथ्स टू अप टू 10 ईयर्स, कम से कम कितने महीने का, 6 महीने का, ज्यादा से ज्यादा कितने साल का, 10 साल का। एंड आपको क्या लग सकता है, फाइन। फाइन कितना लग सकता है, अमाउंट इन्वॉल्व इन प्रोस्पेक्टस से जितना पैसा जमा किया उतना, और विच में एक्सटेंड टू 3 टाइम्स ऑफ अमाउंट इन्वॉल्व। मतलब अगर 100 रुपए का प्रोस्पेक्टस से आपने 100 रुपए रेस किए तो 100 रुपए और 3 टाइम्स मतलब कितना हो गया, 300 रुपए, इतना क्या लग सकता है आपका, फाइन भी लग सकता है। गॉट द पॉइंट, हाय है ना। ये शेयर सर्वे कितने टाइम पे इशू करना है वो अपन कल देखेंगे, अभी एक दो केस स्टडी सॉल्व करते हैं पहले। अच्छा, आज जितना पढ़ाया उतना पढ़ लेना भैया, बता दे रहे हैं आपको, है ना। ये टाइम थोड़ा सा नींद वाला टाइम है, समझ सकता हूं मैं, खाना बीना थोड़ा कम खाया करो रे, बहुत ज्यादा ठूसते हो, थोड़ा कम ठूसोगे ना तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है ना, थोड़ा कम ठूसोगे ना तो ज्यादा बेटर होगा बेटा। लेक्चर प्राइवेट आज का तो नहीं करूंगा लेकिन हो जाएगा। ये बायबैक वाला है, चलो एक डायरेक्ट क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है दोस्तों, बताइए। सर्टेन मेंबर ऑफ अ कंपनी आर अलाउड टू ऑफर फॉर सेल देयर शेयर होल्डिंग इन द कंपनी, सच ऑफर डॉक्यूमेंट इज डीम्ड टू बी प्रोस्पेक्टस इश्यूड बाय द कंपनी। क्या पूछा है आपको, क्या पूछा है बोलो ना, क्या डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्या डायरेक्ट क्वेश्चन, आपको क्या करना है, लाइन 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 बाई लाइन बाई लाइन ले लेना है बेटा। अच्छा, इसमें क्वेश्चन आता है, अभी एक थोड़ा सा कंप्लीट हो जाए उसके बाद एक क्वेश्चन ये आता है, समझना। सपोज आप आंसर करना मेरे को, मिस्टर ए उसने अप्लाई किया था एक्स वाई जेड लिमिटेड के लिए, मिस्टर ए ने आईपीओ में अप्लाई किया था किसके लिए, एक्स वाई जेड लिमिटेड के शेयर्स के लिए, बट उसको शेयर्स नहीं मिले, उसको शेयर्स मिले क्या, बाद में उसने क्या किया, वो शेयर्स जो है वो स्टॉक एक्सचेंज से खरीद लिया, कहां से खरीद लिया, स्टॉक एक्सचेंज से खरीद लिया उसने शेयर्स, बाद में उसको पता चला कि जो प्रोस्पेक्टस इशू हुआ था, क्या इशू हुआ था उसमें, मिस स्टेटमेंट था, क्या था, अब वो बंदा कंपनी के ऊपर केस फाइल करना चाहता है मिस स्टेटमेंट का, कैन ही डू सो, कर सकता है क्या, क्यों नहीं कर सकता, हाँ क्यों नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर पाएगा, क्वेश्चन समझा। मिस्टर ए ने आईपीओ के लिए अप्लाई किया, शेयर्स नहीं मिले, बाद में वो गया स्टॉक एक्सचेंज पे और शेयर्स खरीद लिए, एंड देन ही रियलाइज अरे प्रोस्पेक्टस में तो मिस स्टेटमेंट था, और अब वो केस फाइल करना चाहता है कंपनी के ऊपर, ही डिमांड कॉम्पेंसेशन, कर सकता है क्या, क्यों नहीं कर सकता, स्टॉक एक्सचेंज इज अ सेकेंडरी मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज इज अ व्हाट, मेरे को एक बात बताओ, मैंने ना टाटा की कार खरीदी लेकिन सेकेंड हैंड, उसमें कुछ मिस्टेक निकली, मैं टाटा कंपनी में केस फाइल कर सकता हूं क्या, क्योंकि आपने कैसे खरीदी, तो यहां पे केस फाइल कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, आंसर इज नो, नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि उसने कंपनी से शेयर्स नहीं खरीदे, तो कौन कर सकता है, जो ओरिजिनल अलॉटी है, कौन है, ओरिजिनल अलॉटी, ठीक है। चलिए बड़ी, थैंक यू सो मच, अभी 3 बजे का आपका वेबिनार है, वो अटेंड करना सभी लोगों ने, थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय, कल मिलेंगे। अच्छा सुनो, कल थोड़ा लेट मिलेंगे, 1:45 को स्टार्ट करूंगा,
कितने को स्टार्ट करूंगा 1:45 ताकि आपको लंच का अच्छे से टाइम मिल जाए। कमेंट कर देना और इसको शेयर कर देना सभी लोगों के साथ, इंपॉर्टेंट है, जितना पढ़ा है उतना पढ़ लेना जितना। अच्छा एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनो, एक मिनट, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है, जैसे अभी बात चल ही रही है आपको बता दूं मैं एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, 4th of November को, कब बेटे बताया सर ने, 4th of November को एक बहुत बड़ा वेबिनार और सेमिनार होने वाला, किस चीज को लेके, सीएमए यूएस को लेके। मैं कुछ छोटी मोटी चीजें एक दो मिनट में डिस्कस करता हूं आपके साथ तो आपको समझ में आएगा थोड़ा बहुत। पहली चीज तो यार ये कोर्स ना कितने महीने में हो जाएगा, 6 से 9 महीने में। दूसरा इस कोर्स का मेन चीज ये है कि भैया इसमें आपको किसका नॉलेज मिलेगा, फाइनेंस का। तीसरा इसमें आपका एक्स्ट्रा बेनिफिट ये है कि ऑलरेडी आपने क्या पढ़ के रखा है, आपने क्या पढ़ के रखा है, FM। चौथा एक बात बताऊं आपको कि कंप्लाइंसेस मतलब हम जो पढ़ रहे हैं वो, मतलब ही इसी को बोलते हैं लीगल, लीगल प्लस फाइनेंस, ये कॉम्बिनेशन आपका क्या होता है, बेस्ट कॉम्बिनेशन। तो इस कोर्स का अगर आपको डिटेल जानना है, इस कोर्स का डिटेल जानना है तो कब है सेमिनार, 4th November को। जो लोग पुणे में है वो पुणे के हयात होटल में है, और जो पुणे के बाहर है उनको क्या मिलेगा, वेबिनार का लिंक मिलेगा। उसके लिए आपको रजिस्टर करना जरूरी है, कंपल्सरी रजिस्टर करना जरूरी है ना। और ये हमारे एग्जाम के बाद, अभी नहीं लेकिन एग्जाम होने, आपके एग्जाम हो जाने के बाद, दिसंबर के बाद यू कैन परस्यू दी कोर्स, आप उसको कोर्स कर सकते हो। थैंक यू सो मच, लव यू, बाय बाय, टेक केयर, रजिस्ट्रेशन कर लेना, बाकी सारी डिटेल वेबिनार में बताएंगे हम लोग, है ना, सब यही बता देंगे। तो पैसे किस चीज के दिए ना वहां पे, वहां इतना बुकिंग विकिंग करा, खर्चा करा हुआ है थोड़ा, वहां पे करेंगे जी।